हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन द बबली किचन। आज हम सूजी की इडली बनाएंगे जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी होती है। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। एक कप सूजी, पौना कप दही, जिसको फेंट के हमने इस तरह से स्मूथ कर लिया है बिल्कुल। आधा चम्मच नमक, एक इनो का पाउच और पानी, जितना ज़रूरत है उतना ले ले पानी। अब हम सूजी के अंदर दही को थोड़ा थोड़ा करके डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। ये ध्यान रखें कि इसमें कोई गुठली ना बने। थोड़ा सा पानी अगर आपको ज़रूरत लगे तो पानी डाल लें थोड़ा, क्यों भी हमारा ये बैटर बहुत गाढ़ा है। मुश्किल से 2 टेबलस्पून पानी लगा है इसमें। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें, एक गाढ़ा बैटर तैयार करना है। 5-7 मिनट इसको अच्छी तरह से हिला लें। नमक डाल दें इसमें और इसको अच्छी तरह फिर फेंट लें। इसी तरह से हमारी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए थोड़ा। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। ये 15-20 मिनट हो गए हैं और ये देखिए हमारी सूजी फिर फूल के गाढ़ी हो गई है। फिर थोड़ा सा और पानी डाल लें आप इसमें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर तब तक हम इडली स्टैंड ले लेंगे और उसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब हम बैटर में इनो का पाउडर डाल देंगे, इनो पाउडर, और उसको 8-10 बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा बैटर फूलने लग गया है। ज़्यादा नहीं इसको हिलाना, बस 8-10 बार बहुत है। इनो पाउडर को डालकर इसमें अच्छी तरह से 8-10 बार मिक्स कर लें। टेबलस्पून की सहायता से इस मिक्सचर को 1-1 टेबलस्पून इसमें डाल दें। इस तरह सारे इडली स्टैंड को इसी तरह फिल करके और इसको बंद कर लें। और एक कुकर में 2 गिलास पानी डाल के उसको बॉयल होने के लिए रख दें। इडली स्टैंड को कुकर के अंदर रख दें। 5-10 मिनट तक, पहली बार 10 मिनट में ये बन के तैयार हो जाएंगी। इसको आप किसी चाकू की सहायता से चेक कर लें कि अंदर इसका अगर लगता है बैटर तो इसका मतलब बीच में आप चेक कर सकते हैं। अगर चाकू साफ निकल आया इसका मतलब कि हमारी इडली बन गई है। ये देखिए ये हमारी इडली बनके तैयार हो गई है और इसको हम स्टैंड से निकाल के इनको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे और एक चाकू की सहायता से साइड से निकाल लेंगे। ये आराम से निकल जाएंगी। इस तरह से सारी बाकी की इडलियाँ भी आप इसी तरह से बना लें। ये हमारी इडली बनके तैयार हो गई हैं। ये हमारी इडलियाँ बनके तैयार हो गई हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनी हैं। देखिए इसको मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, ये कितनी सॉफ्ट और फ्लफी हैं। इसको आप सॉस के साथ या पीनट चटनी या सांभर के साथ आप खाइए, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। बहुत ही हेल्दी और नाश्ता है। अगर आप इसको सॉस के साथ
या आप इसको चटनी के साथ, सांभर के साथ, किसी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने व्यूज मेरे साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन क्लिक करना ना भूलें। राइट हैंड पे बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।